अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माई लवली स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज की क्लास बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, जो आपके पैरामेडिकल के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए प्यारे मित्रों, आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और दोस्तों, क्लासेस पीडीएफ पाने के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद रितेश को भी अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको हर एक क्लास का पीडीएफ, नोट्स, टेस्ट पेपर, एग्ज़ाम रिलेवेंट हर एक अपडेट दिया जाता है। तो क्या करना है, आपको जाना है टेलीग्राम चैनल पे और वहाँ सर्च बॉक्स में सर्च करना है स्टडी विथ रितेश। जी हाँ, स्टडी विथ रितेश सर्च कीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाए। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, लकड़ी होती है। लकड़ी क्या होती है? हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोकार्बन का मिश्रण, कार्बोहाइड्रेट का मिश्रण या अकार्बनिक तत्व का मिश्रण? जल्दी से बताना है लकड़ी। बच्चों, ये लकड़ी होती क्या है, जल्दी से बताना है। सभी स्टूडेंट इस प्यारे से लाजवाब से क्वेश्चन का आंसर करेंगे। लकड़ी होती है। लकड़ी क्या होती है बच्चों? तो जी हाँ, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी यानी हाइड्रोकार्बन का मिश्रण, जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, जो लकड़ी होती है ये विभिन्न हाइड्रोकार्बन जैसे सेल्युलोज, हेमिसेल्युलोज आदि का मिश्रण होती है। तो यहाँ पे लिखना है, आप लोग लिख सकते हैं बच्चों की लकड़ी जो है, लकड़ी विभिन्न हाइड्रोकार्बन, लकड़ी जो है विभिन्न हाइड्रोकार्बन, विभिन्न हाइड्रोकार्बन में क्या क्या आ जाएंगे, जैसे आपका सेल्युलोज हो गया, सेल्युलोज है ना, सेल्युलोज, हेमी सेल्युलोज हो गया, इत्यादि का ये मिश्रण होता है, हेमी सेल्युलोज, ठीक है, इत्यादि का मिश्रण होता है। ठीक है बच्चों, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आपको याद रखना है, याद रखना है बच्चों, पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि लकड़ी क्या होती है, तो ये हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होती है एक तरह से, ठीक है। ठीक इसी प्रकार एक बार पूछा था 2021 में एक क्वेश्चन पूछा था बच्चों, मोमबत्ती होता है, क्या होता है, क्या आप लोग बता सकते हैं? हाँ जी, जल्दी से बताना है, मोमबत्ती होता है, क्या होता है, कौन बताएगा? मोम होता है ना, मोम होता है, बताइए क्या होता है ये, बिल्कुल फास्ट जल्दी बताइए। देखिए ऑप्शंस में दिया हुआ था, चलिए मैं ऑप्शंस दे देता हूँ। एस्टर दिया हुआ था है ना, इसके बाद एमीन दिया हुआ था, ईथर दिया हुआ था, ऐसे कई सारे ऑप्शंस दिए गए थे। तो बताइए, तो मोम होता है, क्या होता है? तो जी हाँ बच्चों, मोम क्या होता है, ये एक एस्टर होता है। तो ऑप्शन नंबर ई जो है आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, यानी मोम क्या होता है, मोम एस्टर होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके पैरामेडिकल के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न दिया हुआ है, बायोगैस का कैलोरीफिक मान, उष्मीय मान 35 किलो जूल पर ग्राम है, तो 0.5 किलोग्राम बायोगैस जलाने पर कितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे बायोगैस का जो उष्मीय मान है, कैलोरीफिक वैल्यू है, वो दे रखा है 35 किलो जूल पर ग्राम। यानी यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं कि एक ग्राम बायोगैस से उत्पन्न ऊष्मा कितनी है, क्या आप लोग बता सकते हो? एक ग्राम बायोगैस से उत्पन्न ऊष्मा, बताइए, सभी बच्चे बताएंगे, एक ग्राम बायोगैस से उत्पन्न ऊष्मा बताइए कितना होगा? देखो तो 35 किलो जूल पर ग्राम दिया है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ना कि एक ग्राम बायोगैस से उत्पन्न जो ऊष्मा है वो कितनी है, 35 किलो जूल है, 35 किलो जूल बोल सकते हो ना, है ना। यानी देखिए 35 किलो जूल पर ग्राम, 35 किलो जूल पर ग्राम कहने का मतलब यही है कि एक ग्राम, देखो एक ग्राम बायोगैस से जो उत्पन्न ऊष्मा है वो कितनी है, 35 किलो जूल है, ठीक है। तब पूछ रहा है 0.5 किलोग्राम बायोगैस चलाने पर कितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी, तो अब यहाँ पर 0.5 किलोग्राम, देखिए किलोग्राम है बच्चों, और यहाँ पर देखो तो ग्राम है, देख पा रहे हो, तो इसको भी तो ग्राम में चेंज करेंगे ना, 0.5 किलोग्राम है, इसको ग्राम में चेंज करेंगे, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, 10^3 से गुना कर देंगे, तो ये चीज़ भी अब ग्राम में आ जाएगा। तो अब आप ही बताइए, 0.5 × 10^3 ग्राम बायोगैस जलाने पर जो ऊष्मा निकलेगी वो कितनी निकलेगी, तो बस करना कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी 35 में इसमें गुना कीजिएगा, तो 35
ठीक है। अब देखो यहाँ पे किलो जूल है बच्चों, और यहाँ पे जूल में हमको लाना है ना। देखिए ऊर्जा का सही मात्रक क्या होता है, जूल होता है, लेकिन ये किलो जूल है, तो किलो जूल को भी अब कन्वर्ट कर दीजिए जूल में। तो क्या करेंगे, गुने में 10 के पावर 3 हो जाएगा, और फिर अब गुने में, अब देखिए अब यहाँ पर इससे भी गुना कर दीजिए, यानी 0.5 × 10 to power 3। तो बस इतना कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए तो कैसे बनाएंगे बच्चों, हाँ जी बनाइए जल्दी से क्वेश्चन को। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 35 कर देंगे, ठीक है, और गुने में 10 के पावर 3 है, यहाँ पर भी 10 के पावर 3 है, तो 10 के पावर 6 हो जाएगा, और गुने में 0.5, ठीक है। तो अब यहाँ से आप लोग कर सकते हो, यहाँ पे देखो पॉइंट को मैं हटाता हूँ तो बट्टा में 10 आ जाएगा, और 5 × 2 = 10, ठीक है। तो इतना तो समझ गया आप लोग। तो अब देखिए यहाँ पर 35 को काटिए 2 के पावर से, तो ये बच्चों लगभग कितने बार में चला जाएगा, 35 को काटिएगा 2 के पावर से, तो ये 17.5 है ना, तो आ गया आंसर 17.5, यानी 17.5 × 10 के पावर 6 जूल, यानी ऑप्शन नंबर, जी हाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों अगला प्रश्न है, CO2 में प्रोटॉनों की संख्या है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है, 20, 22, 24 या 28, जल्दी से बताना है आपसे। यहाँ पर पूछा गया है CO2 में प्रोटॉनों की संख्या, जल्दी से बताइए CO2 में प्रोटॉनों की संख्या, सभी बच्चे बताएंगे CO2 में प्रोटॉनों की संख्या, बिल्कुल फास्ट। तो देखिए CO2 में प्रोटॉनों की जो संख्या होगी वो बराबर हो जाएगी कार्बन में प्रोटॉनों की संख्या, कार्बन में प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है, कार्बन में प्रोटॉनों की संख्या, और प्लस में 2, और फिर गुने में क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन में प्रोटॉनों की संख्या। ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, है ना बच्चों, ये तो सब आप जानते ही होंगे। तो बस बना दीजिए, सॉल्व कर दीजिए इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, तो देखिए कार्बन में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है, कार्बन में प्रोटॉनों की संख्या, यानी यही देखिए कार्बन में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है, ठीक है, प्लस में 2 हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है ना, 2 हो जाएगा, फिर गुने में ऑक्सीजन में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है बच्चों, तो ऑक्सीजन में प्रोटॉनों की संख्या 8 होती है, 8 होती है ना, तो देखो तो 6 + 8 × 16, 16, तो 16 और 6 कितना होता है, 22, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 22 जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जी ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों अगला प्रश्न है, CuOH का ट्वाइस इंटू में CuCO3 कॉपर का एक अयस्क है और इसका नाम है, क्या नाम है, एजुराइट, मेलॉइट, क्यूपराइट, कॉस्कोइट, जल्दी से बताना है, सभी बच्चे बताएंगे। CuOH का ट्वाइस इंटू में CuCO3, यह एक कॉपर का अयस्क है और इसका नाम क्या है। तो जी हाँ बच्चों, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी यानी मेलॉइट, देन आपका आंसर सही है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो मेलॉइट का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CuOH का ट्वाइस CuCO3, और ये कॉपर का अयस्क भी है, ठीक है। देखिए एजुराइट, इसको चांदी का अयस्क बोलते हैं, क्या है, ये चांदी का अयस्क है, ठीक है, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है CuOH का ट्वाइस इंटू में 2 और CuCO3, ठीक है। ठीक इसी प्रकार क्यूप्राइट का केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो Cu2O, ठीक है, और ये किसका अयस्क हो जाएगा बच्चों, क्यूप्राइट ये किसका अयस्क है, तो आप सभी जानते होंगे, हाँ जी क्यूप्राइट किसका है, तांबा का अयस्क है, तांबा, ठीक है, चलिए तांबा का अयस्क है बच्चों, यानी कॉपर का, ओके। और देखिए कॉस्कोइट इसका केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो इसका होता है बच्चों Cu2S, ठीक है, और ये भी जो है कॉपर यानी तांबा का ही अयस्क है, ओके बच्चों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है कार्बन व हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अलग अलग अभिक्रिया करके क्रमशः CO2 व H2O बनाते हैं। तो जब कार्बन व हाइड्रोजन प्रतिक्रिया करेंगे तो उत्पन्न होने वाले यौगिक का सूत्र होगा क्या होगा, CH4 या C6H6 या C3H2 या C4H। जल्दी से बताइएगा, सभी स्टूडेंट इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर करेंगे बिल्कुल बिल्कुल फास्ट। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कार्बन जो है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा। तो कार्बन यदि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो देखिए तो क्या बना रहा है, CO2। ठीक है, ठीक इसी प्रकार अब ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, देख रहे हो, हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है और ये क्या बना दे रहा है, H2O बना दे रहा है। ठीक इसी प्रकार जब कार्बन और हाइड्रोजन ये प्रतिक्रिया करेंगे तो उत्पन्न होने वाले यौगिक का नाम क्या होगा। तो देखिए जब बच्चों कार्बन और हाइड्रोजन है ना, ध्यान दीजिएगा, कार्बन हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या बनाता है, मीथेन बनाता है। तो इसको लिख लीजिएगा कि कार्बन जो है हाइड्रोजन से, कार्बन हाइड्रोजन से प्रतिक्रिया करके यानी क्रिया करके मीथेन यानी CH4 यौगिक बना देता है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बच्चों, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए बच्चों इसके बाद अगला प्रश्न है अम्लराज यानी एक्वा रेजिया है क्या है, सांद्र HCl तथा सांद्र HNO3 का 1:3 का अनुपात है, या तनु HCl तथा तनु HN3 का 3:1 का यह अनुपात है, या सांद्र HCl तथा सांद्र HNO3 का 3:1 का रेशियो है ये, या फिर तनु HCl तथा तनु HNO3 का 3:1 में रेशियो है ये। बताइए एक्वारेजिया होता क्या है। तो देखिए बच्चों ये हमारा अम्लराज होता क्या है, तो यदि हम लोग सांद्र HCl और सांद्र HNO3 है ना, तो यदि हम लोग सांद्र HCl और सांद्र HNO3 को 3:1 के रेशियो में मिला देंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वही अम्लराज कहलाता है। और ये जो है ना बच्चों सोना प्लेटिनम इन सभी धातुओं को जो है पिघला सकता है। ठीक है, इसका काम यही होता है अम्लराज का। ठीक है, तो बच्चों सांद्र HCl और HNO3 यानी इन दोनों का 3:1 में मिल जाना, यानी HCl की मात्रा 3 होनी चाहिए रेशियो में और HNO3 की मात्रा एक एक होनी चाहिए रेशियो में। तो HCl और HNO3 को जब हम लोग 3:1 में मिला देंगे तो हमको अम्लराज मिल जाता है, और ये बड़े बड़े सोना प्लेटिनम इन सभी धातुओं को पिघलाने में सहायक होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो जी हाँ बच्चों, ऑप्शन नंबर यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं, बताइए क्या होगा ऑप्शन नंबर, जल्दी से बताना है। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर देख पा रहे हैं आप लोग, सी, ऑप्शन नंबर सी जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों अगला प्रश्न आ चुका है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, यदि 540 केल्विन पर 2 मोल आदर्श गैस का आयतन जो है 44.8 लीटर हो तो उसका दाब क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले जो जो चीज़ें गिवेन हैं उन सभी को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो टेम्परेचर आपका दे दिया गया है कितना, टेम्परेचर जो है 540 केल्विन दे दिया गया है। ठीक है, इसके बाद 2 मोल दे दिया गया है यानी एन बराबर 2 मोल दिया गया है। ठीक है, और फिर इसके बाद जो है गैस का आयतन यानी वॉल्यूम जो है आपको दे दिया गया है 44.8 लीटर, और उसके बाद आपसे पी पूछा है यानी प्रेशर, प्रेशर पूछा है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए आपको इतना चीज़ गिवन है तो आपको यहाँ मालूम हो जाना चाहिए कि यहाँ पे आइडियल गैस लॉ इक्वेशन लगेगा। आइडियल गैस लॉ का फॉर्मूला क्या कहता है, आप सभी ने पढ़ा होगा, पी वी बराबर एन इंटू आर इंटू टी होता है ना, आइडियल गैस लॉ यानी आइडियल गैस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पी वी बराबर एन आर टी होता है। तो यहाँ से देखिए तो पी तो दिया ही, पी तो नहीं दिया है, पी तो निकालना है, वी दिया है ना, एन भी दिया है, आर नहीं दिया। तो बच्चों आर जो है इसका वैल्यू होता है, आपको याद रखना है, आर जो है ना इसका वैल्यू क्या होता है, 0.082 डिग्री पर केल्विन
पर मोल, ठीक है, ये होता है, ठीक है। तो याद रखना है आर बराबर 0.082 डिग्री पर केल्विन पर मोल होता है। और ये आर है क्या, तो ये बच्चों आइडियल गैस कांस्टेंट है, ठीक है, इसका वैल्यू निकाला गया है, तो ये आपको याद रखना है। तो बस अब यहाँ से देखिए आप लोग जानते हो, अब इस क्वेश्चन को हम लोग और भी अच्छे से बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग जान चुके हो कि पी वी बराबर एन आर टी होता है, तो आपको निकालना क्या है, पी निकालना है, तो पी बराबर क्या हो जाएगा, एन आर टी अपॉन में वी हो जाएगा, ठीक है। चलिए एन कितना है, दो है ना, एन कितना है, दो है, गुने में आर, आइडियल गैस कांस्टेंट कितना है 0.082, है ना, इतना है ना बच्चों। चलिए इसके बाद टी यानी टेम्परेचर कितना है, तो टेम्परेचर आपका 540 है, ठीक है, और अपॉन में वी कितना है, वॉल्यूम कितना है, तो ये 44.8 है, ठीक है। तो बच्चों जब इतने को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, इतने को सॉल्व कीजिएगा तो ये कट छट कर आपका कितना आ जाएगा, 1.97। तो 1.97 का मतलब क्या हो गया, हो जाएगा अप्रॉक्स में 2, तो 2 एटमोस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, यानी प्रेशर कितना आ जाएगा पी, तो 2 एटमोस्फेरिक प्रेशर जो है आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है बच्चों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों अगला प्रश्न है, जब फिनोल को सांद्र गंधक के अम्ल की उपस्थिति में सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो ये क्या बनाता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक या नाइलोन या थर्मोप्लास्टिक या पिक्रिक अम्ल, जल्दी से बताना है बच्चों। बच्चों यहाँ पे बताना है आपको कि जब फिनोल को सांद्र गंधक के अम्ल की उपस्थिति में सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो ये क्या बनाता है, तो जी हाँ बच्चों ये क्या बनाता है, तो ये हमारा पिक्रिक अम्ल बनाता है, पिक्रिक एसिड, ठीक है, तो पिक्रिक अम्ल बनाता है। और इसका एक और नाम है बच्चों, क्या नाम है, ट्राई नाइट्रोफिनॉल, है ना, इस पिक्रिक अम्ल का एक और नाम है, क्या नाम है बच्चों, ट्राई नाइट्रोफिनॉल, जिसको शॉर्ट में हम लोग TNP भी कहते हैं, ठीक है, और इसका उपयोग जो है एक विस्फोटक के रूप में भी किया जाता है, तो आपको याद रखना है, ठीक है बच्चों। चलिए चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों अगला प्रश्न आ चुका है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका सूत्र क्या होता है, MgO या MgOH का ट्वाइस या CuZO या HBr, जल्दी से जवाब देना है सभी स्टूडेंट को, बिल्कुल फास्ट, जी हाँ बिल्कुल फास्ट आंसर करेंगे। देखिए बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन यकीनन आपने पहले भी पढ़ा होगा, कई बार आपको बता दिया गया है, जल्दी से बताइएगा यहाँ पे, बिल्कुल फास्ट। तो देखिए बच्चों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता क्या है, तो MgOH का ट्वाइस का जल में बना पेस्ट जो होता है वही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहलाता है, ठीक है, यानी देखिए ये MgOH का ट्वाइस है ना, तो MgOH का ट्वाइस का जल में जो पेस्ट बनता है वही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहलाता है, तो यहाँ पे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, MgOH का ट्वाइस, ठीक है। चलिए चलिए बच्चों, और देखिए इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों, MgOH2 को, तो इसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पढ़ेंगे, और यह एक अकार्बनिक यौगिक है ना, और बच्चों ये क्या होता है, ये जल में घुलकर, है ना, जल में घुलकर जो है ये दूध जैसा दिखाई देता है, और इसका उपयोग जो है पेट की अम्लता दूर करने के लिए किया जाता है, यानी अगर स्टमक में ज़्यादा एसिड हो जाएगा तो उसको दूर करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, और ये जल में घुलकर जो है दूधिया कलर का दिखाई देता है। ओके बच्चों चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों इसके बाद अगला प्रश्न है, वनस्पति तेल से डालडा या वनस्पति घी बनाने में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया इस्तेमाल की जाती है, तो वनस्पति तेल से डालडा या वनस्पति घी बनाने में कौन सी प्रक्रिया यूज ली जाती है, कौन सी प्रक्रिया को इस्तेमाल किया जाता है, जल अपघटन वाली प्रक्रिया या ऑक्सीकरण या हाइड्रोजनीकरण या ओजोन अपघटन, जल्दी से बताना है वनस्पति तेल से। देखते हैं आप लोग वनस्पति तेल से डालडा या वनस्पति घी बनाया जा सकता है, तो इसके लिए हम लोग कौन से मेथड का यूज करते हैं, तो जी हाँ बच्चों यदि आपने जवाब दिया है ना, यदि आपका जवाब आ रहा है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, देन आपका आंसर सही है, तो बच्चों हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया का इस्तेमाल करके हम लोग वनस्पति तेल से डालडा या वनस्पति घी बना लेते हैं, है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है बच्चों, बच्चों यदि क्लास अच्छी लग रही हो, इंटरेस्टिंग लग रही हो, तो एक लाइक भी दे दीजिए बच्चों, आपके एक लाइक से काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट फील करते हैं हम सभी टीचर्स, है ना बच्चों।
तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होगे और आप लोगों की स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि आपका सामने पेपर है, ठीक है? तो आप लोग मन लगा के पढ़ाई कर रहे होगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के सेशन को। आज के सेशन में रिवीजन क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना? आई मीन मैक्सिमम 25 क्वेश्चंस होंगे, उसको आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है? ये एक तरह का टेस्ट सीरीज़ है और आप लोगों को आंसर देना है, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं हम आज के सीजन के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एड्स होता है। एड्स क्या है? क्या जीवाणु से होता है, फंगस से होता है, या फिर वर्म से होता है, या फिर विषाणु से होता है? जल्दी से बता दें तो आप सभी को पता है कि एड्स किस वायरस के द्वारा होता है? HIV के द्वारा। तो ये क्या है? एक वायरस है। किसके द्वारा एड्स फैलता है? वायरस के द्वारा। तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी, विषाणु से, ठीक है? चलो इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग लास्ट में क्या करना, सभी बच्चों कमेंट लिखना है, कमेंट सेक्शन में बता देना है कि किसका कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? BMD परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए, यानी BMD परीक्षण किसकी पहचान करने के लिए किया जाता है? क्या डेंगू की पहचान करने के लिए किया जाता है, या मलेरिया की, या फिर ऑस्टियोपोरोसिस की, या फिर एड्स की? जल्दी से बता दीजिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए। वैसे BMD का फुल फॉर्म क्या होता है, जिसको उसको पता है जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दो। आप लोग लिखते नहीं हो, मैं बोलती हूँ ना कि इसका फुल फॉर्म लिख दो, या फिर कुछ भी ऐसा क्वेश्चन अराइज करती हूँ तो आप लोग आंसर नहीं देते हो, ठीक है? तो कुछ दिन तो कम से कम ध्यान दे दो। क्या होता है BMD का फुल फॉर्म? बोन मिनरल डेंसिटी। क्या होता है? बोन मिनरल डेंसिटी, ठीक है? ये किसकी पहचान करने के लिए परीक्षण किया जाता है? तो वेरी गुड, जिन्होंने ऑप्शन सी लिखा है, किसके परीक्षण के लिए किया जाता है? ऑस्टियोपोरोसिस की, ठीक है? चलो इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? यानी क्या बोल रहा है कि ट्रीटमेंट ऑफ स्कर्वी डिजीज़ के लिए कौन हेल्पफुल है? क्या आम है, पपीता है, आंवला है और बेर है? इन चारों में से कौन हेल्पफुल है किसके लिए? स्कर्वी डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा कि स्कर्वी डिजीज़ किसकी कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से। मतलब क्या करना है? विटामिन सी की पूर्ति करना है। विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? आंवला में पाया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी जो होगा वो सही उत्तर होगा। वेरी गुड, जिन्होंने ऑप्शन सी को चूज़ किया है। चलो इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे? DNA के द्वि हेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? यानी क्या पूछ रहा है कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर किसने दिया था? क्या वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था, या फिर फिशर तथा हल्डानी ने दिया था, या फिर लेमार्क तथा डार्विन ने दिया था, या फिर ह्यूगो ब्रिज ने दिया था? जल्दी से बता दीजिए कि DNA के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को किसने प्रस्तावित किया था? तो किसने किया था? वॉटसन एंड क्रिक ने, ठीक है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ई जो होगा वो सही उत्तर है, ठीक है? इसका फुल नेम क्या था? फ्रांसिस क्रिक एंड जेम्स वॉटसन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या है? फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? बता दीजिए कि फंक ने किसका इन्वेंट किया था? क्या विटामिन का किया था, हार्मोन का किया था, प्रोटीन का किया था, या फिर एंजाइम का किया था? तो किसका किया था बच्चों? ये विटामिन का किया था। किसका किया था? विटामिन का किया था, ठीक है? फंक ने किसका आविष्कार किया था? विटामिन का। यहाँ पर विटामिन के नहीं होगा, यहाँ पर विटामिन होगा, ओके? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी को बहुत बार मैं रिपीट करवा भी चुकी हूँ और पता है कि आप सभी इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही देने वाले हो, ठीक है? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी को पता है कि डेंगू फीवर में क्या ह्यूमन बॉडी में घट जाता है, किसकी कमी हो जाती है? तो किसकी हो जाती है? प्लेटलेट्स की, ठीक है? तो ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर होगा, प्लेटलेट्स की। चलो इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं।
तो गाइस जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए प्रयुक्त दर्पण है, यानी क्या पूछ रहा है कि जो डेंटिस्ट हैं वो कौन सा मिरर यूज़ करते हैं, किसके लिए, पेशेंट के टीथ को एग्जामिन करने के लिए, पेशेंट के टीथ को देखने के लिए या फिर उसको देखने के लिए कौन सा दर्पण यूज़ करते हैं, यानी कौन सा मिरर यूज़ करते हैं, क्या अवतल मिरर यूज़ करते हैं या फिर उत्तल या फिर समतल या फिर बेलनाकार यानी सिलेंड्रिकल। जल्दी से बता दीजिए कि जो डेंटिस्ट होते हैं वो कौन सा मिरर यूज़ करते हैं, तो कौन सा मिरर यूज़ करते हैं, कनकेव मिरर, कौन सा, कनकेव मिरर, ठीक है, यानी अवतल दर्पण। चलो तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्नलिखित रोगों में से कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचारित नहीं होता है, यानी चार डिजीज़ का नाम दिया गया है और आपसे पूछ रहा है कि टाइगर मस्क्यूटोज द्वारा किसका ट्रांसमिशन नहीं होता है, किसका ट्रांसमिशन नहीं होता है। तो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, पीत ज्वर यानी येलो फीवर, सेकेंड क्या बोल रहा है, डेंगू, थर्ड क्या बोल रहा है, चिकनगुनिया, एंड फोर्थ क्या बोल रहा है, जापानी एंसेफेलाइटिस। जल्दी से बता दीजिए कि इन चारों में से किस डिजीज़ का ट्रांसमिशन टाइगर मस्क्यूटो द्वारा नहीं होता है, तो किसका नहीं होता है, जापानी एंसेफेलाइटिस जो है डिजीज़, ये टाइगर मच्छरों द्वारा ट्रांसमिट नहीं होता है, ये टाइगर मच्छरों द्वारा ट्रांसमिट नहीं होता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, डी, ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस नेक्स्ट वन क्या है, बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन्न होते हैं वह क्या होता है, जो प्रोटीन डिफिशियंसी कारण डिजीज़ होता है बच्चों में उसे क्या बोलते हैं, क्या मेरेस्मस बोलते हैं, पेलेग्रा बोलते हैं, बेरी बेरी बोलते हैं, रिकेट्स बोलते हैं, जल्दी से बता दीजिए कि उसे क्या बोलते हैं। तो गाइस प्रोटीन की कमी से क्या होता है बच्चों में, मेरेस्मस डिजीज़ होता है, क्या होता है, मेरेस्मस डिजीज़ प्रोटीन की कमी से होती है बच्चों में, ठीक है। पेलेग्रा, बेरी बेरी और रिकेट्स की बात करते हैं, तो इन तीनों के बारे में बहुत बार आप लोगों को बता चुकी हूँ कि ये किसकी डिफिशियंसी कारण होता है, बेरी बेरी किसकी डिफिशियंसी कारण होता है और रिकेट्स किसकी डिफिशियंसी कारण होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में से कौन रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है, यानी इस प्रश्न में आपसे पूछना क्या चाह रहा है कि कौन ऐसा एयर पॉल्यूटेंट गैस है जो कि क्या कर सकता है, जो कि आपके ब्लड स्ट्रीम को अफेक्ट करके डेथ कॉज कर सकता है, ठीक है। तो वो कौन सा एयर पॉल्यूटेंट गैसेस हैं, क्या एस्बेस्टस गैस धूल है या फिर कैडमियम है या फिर लेड है या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड है, जल्दी से बता दीजिए कि वो कौन सा एयर पॉल्यूटेंट है, तो कौन सा है, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि बहुत डेंजरस होता है, ठीक है। ये क्या कर सकता है, ये ब्लड स्ट्रीम को क्या करता है, अफेक्ट करता है और डेथ कॉज करता है, ठीक है। चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेरिब्रल पल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है, यानी आपसे पूछ रहा है, लोकेशन पूछ रहा है कि कहाँ पाया जाता है, क्या सेरिब्रल पल्सी, ठीक है, क्या वृद्धों में पाया जाता है या फिर ड्रग नशेड़ियों में पाया जाता है या फिर छोटे बच्चों में पाया जाता है या फिर केवल महिलाओं में पाया जाता है। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को देना है, आप सभी को कॉमेंट बॉक्स में क्या करना है, इस प्रश्न का उत्तर लिखना है, ठीक है। तो किसे पाया जाता है, ये छोटे बच्चों में पाया जाता है, किसे पाया जाता है, छोटे बच्चों में पाया जाता है। चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट वन क्या है, बायोलॉजिकल रीसरफेसिंग एक आधुनिक शल्य तकनीक है जिसके द्वारा उपचार करते हैं, यानी क्या बोल रहा है कि बायोलॉजिकल रीसरफेसिंग जो है वो एक आधुनिक सर्जिकल टेक्निक है, क्या है, एक मॉडर्न सर्जिकल टेक्निक है जिसके द्वारा किसकी ट्रीटमेंट की जाती है, क्या नी ज्वाइंट की यानी घुटने के जोड़ों का या फिर एडी के जोड़ों का या फिर हिप ज्वाइंट का या फिर
वर्टीब्रल ज्वाइंट का, जल्दी से बता दीजिए कि ये जो बायोलॉजिकल रीसरफेसिंग है इससे किसका ट्रीटमेंट करते हैं, किस चीज़ का ट्रीटमेंट किया जाता है इसके द्वारा, ठीक है। तो किसका किया जाता है, वेरी गुड, जिन्होंने ऑप्शन ए को सेलेक्ट किया है, इसके द्वारा घुटनों के जोड़ों का ट्रीटमेंट किया जाता है यानी उपचार किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है, ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है। चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या है, अस्पताल के निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होगी, यानी क्या बोल रहा है कि अस्पताल में किस विभाग में कैथ लैब पाई जाती है, ठीक है। पैथोलॉजी विभाग में, या फिर सर्जरी डिपार्टमेंट में, या फिर कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में, या फिर न्यूक्लियर मेडिसिन में, न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग में। जल्दी से बता दीजिए कि कैथ लैब जो है वो किस विभाग में पाई जाती है, किस विभाग में पाई जाती है, यानी किस विभाग में ये जो कैथ लैब है वो होना चाहिए या फिर होगी। तो किस में होगी, कार्डियोलॉजी विभाग में। किस में होगी, कार्डियोलॉजी विभाग में कैथ लैब होगी, ठीक है। ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ज़्यादा डिस्कशन इस लेक्चर में बिल्कुल नहीं होगा, इसमें सिर्फ क्वेश्चन और आंसर को टिक आउट करना है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, यानी मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या वर्क है, क्या फंक्शन है, क्या ऑक्सीजन का परिवहन करना, या फिर जीवाणुओं को नष्ट करना, या फिर रक्त अल्पता को रोकना, या फिर मेकिंग आयरन यूजफुल, यानी क्या बोल रहा है, लोहे को उपयोगी बनाना, लोह नहीं होना चाहिए। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, मेकिंग आयरन यूजफुल, ठीक है। तो आप सभी को पता होगा कि फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन क्या होता है, तो ट्रांसपोर्ट करता है, किसका, ऑक्सीजन का परिवहन करता है, किसका, ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है, ऑप्शन ए जो होगा वो सही उत्तर होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। नेक्स्ट वन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है, यानी क्या बोल रहा है कि कौन ऐसा न्यूट्रिएंट है जो कि इसेंशियल नहीं है, किस चीज़ के लिए, फॉर्मेशन एंड स्ट्रेंथ ऑफ बोन एंड टीथ, ठीक है, बोन एंड टीथ के फॉर्मेशन और स्ट्रेंथ के लिए, ठीक है। क्या कैल्शियम इसेंशियल नहीं है, या फिर फॉस्फोरस इसेंशियल नहीं है, या फिर फ्लोरीन, या फिर आयोडीन। तो आप सभी को पता है कि आयोडीन इसेंशियल नहीं है, आयोडीन एलिमेंट जो है वो इसेंशियल नहीं है, किस चीज़ के लिए, फॉर्मेशन एंड स्ट्रेंथ ऑफ बोन एंड टीथ के लिए, ठीक है। चलो इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन क्या बोल रहा है, कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है, यानी इसका कॉमन नेम क्या है, इस केमिकल कंपाउंड का कॉमन नेम क्या है, ठीक है। क्या बोन कैल्शियम यानी हड्डी कैल्शियम है, या फिर विटामिन डी है, या फिर विटामिन बी है, या फिर विटामिन सी है। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिख देना है। तो क्या है, विटामिन डी का जो ये कॉमन नेम है, कोलेकैल्सिफेरॉल किसका कॉमन नेम है, विटामिन डी का, किसका, विटामिन डी का। चलो इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। फेरोमोन्स सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है, फेरोमोन्स जो है वो किस चीज़ से उत्पन्न किया जाता है, क्या स्नैक्स से उत्पन्न किया जाता है, या फिर बर्ड से, या फिर बैट से, या फिर इंसेक्ट से। जल्दी से बता दीजिए कि जो फेरोमोन्स है ये किससे उत्पन्न किया जाता है। तो आप सभी को पता है कि किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, कीटों के द्वारा, किसके द्वारा, कीटों के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। चलो इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। नेक्स्ट वन क्या है, निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली वेलों में विशालतम है, यानी क्या बोल रहा है, टूथेड वेल के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। यानी आपके सामने वेल के चार प्रजातियों का नाम दिया गया और उससे पूछ रहा है कि कौन ऐसा प्रजाति है जिसमें क्या पाया जाता है, जिसमें दांत पाया जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, फिनबैक वेल प्रजाति में दांत पाई जाती है, या फिर ब्लू वेल में,
या फिर स्पर्म वेल में या फिर हम्पबैक वेल में? जल्दी से बता दीजिए कि किस वेल के प्रजाति में दांत पाई जाती है। तो किस वेल के प्रजाति में दांत पाई जाती है? स्पर्म वेल के। किस वेल के? स्पर्म वेल के प्रजातियों में दांत पाई जाती है, ठीक है। और उनका जो जॉ होता है वो लोअर जॉ जो होता है वो नैरो होता है। कैसा होता है? लोअर जॉ जो होता है वो नैरो होता है, ठीक है। नैरो मतलब ऐसे समझो, ठीक है। कैसा होता है? लोअर जॉ नैरो होता है। चलो इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। नेक्स्ट वन क्या है? जब डॉक्टर किसी को कहता है कि उसे टेट्राप्लेजिया हो गया है तो उसका आशय होता है कि उसे पक्षाघात हो गया है। यानी इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है कि अगर किसी पर्सन को डॉक्टर बोल देता है कि उसको क्या हो गया है, टेट्राप्लेजिया हो गया है, तो उसको क्या लगता है कि उसका कौन सा बॉडी का कौन सा पार्ट पैरालाइज्ड हुआ है, उसके बॉडी का कौन सा पार्ट पैरालाइज्ड हुआ है? क्या उसके राइट हैंड पैरालाइज्ड हो गए हैं, या फिर क्या उसके लेफ्ट हैंड पैरालाइज्ड हो गए हैं, या फिर उसके सिर्फ दोनों फीट जो है यानी केवल दोनों पैर जो है पैरालाइज्ड हो गए हैं, या फिर बोथ हैंड एंड फिट दोनों पैरालाइज्ड हो गए हैं? तो जब टेट्राप्लेजिया होता है ना, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि दोनों हाथ और पांव क्या होता है, पैरालाइज्ड हो जाता है। क्या होता है? पैरालाइज्ड हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी जो होगा वो सही उत्तर होगा। ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये टेट्राप्लेजिया को क्वाड्रीप्लेजिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाड्री। अगर क्वाड्रीप्लेजिया कहीं लिखा हो गया हो तो आप लोगों को कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? क्वाड्रीप्लेजिया भी बोलते हैं। नेक्स्ट वन क्या बोल रहा है? शरीर के अंदर लोहे की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है, कौन सा रोग है जो कि लोहे की कमी से उत्पन्न होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है? कलर ब्लाइंडनेस। सेकेंड क्या है? नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी। सी क्या है? एनेमिया, या फिर डी क्या है? ट्यूबरक्लोसिस। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिख देना है कि आयरन की डिफिशियंसी से कौन सा डिजीज़ होता है, आयरन की डिफिशियंसी से कौन सा डिजीज़ होता है। तो वेरी गुड, जिन्होंने ऑप्शन सी सेलेक्ट किया है, ठीक है। तो कौन सा डिजीज़ उत्पन्न होता है? रक्तहीनता यानी एनेमिया, यानी एनेमिया। चलो इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लिख देना, ठीक है। चलो इसी के साथ मैं क्या करती हूँ, क्वेश्चन को रीड करती हूँ। मानव गुर्दे में पथरी निम्न में से किसकी वजह से बनती है, यानी किडनी में आप स्टोन का फॉर्मेशन होता है वो किसकी वजह से होता है? क्या कैल्शियम एसीटेट की वजह से होता है, या फिर कैल्शियम ऑक्सलेट की वजह से होता है, या फिर सोडियम एसीटेट, या फिर सोडियम बेंजोएट की वजह से होता है? तो आप सभी को पता होगा इसके बारे में, मैं ब्रीफ में भी बताई हुई हूँ, ठीक है। तो किसकी वजह से होता है? कैल्शियम ऑक्सलेट की वजह से। कैल्शियम ऑक्सलेट की वजह से क्या होता है? ह्यूमन किडनी में स्टोन का फॉर्मेशन होता है, ह्यूमन किडनी में स्टोन का फॉर्मेशन होता है। चलो इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन क्या है? यदि कोई मानवीय रोग विश्व के वृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या बोलते हैं? यानी क्या बोल रहा है कि कोई मानवीय रोग अगर लार्ज एरिया ऑफ मतलब वर्ल्ड के लार्ज एरिया पे फैलता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? क्या उसे पेंडेमिक बोलेंगे, एपिडेमिक बोलेंगे, एंडेमिक बोलेंगे, या फिर एपिजेटिक बोलेंगे? जल्दी से बता दीजिए कि उसे क्या बोलेंगे। तो उसे हम क्या बोलेंगे? पेंडेमिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम उसे? पेंडेमिक बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल ले लो कोविड को, ठीक है। कोविड क्या था? एक पेंडेमिक था, क्योंकि ये वर्ल्ड के बहुत ज़्यादा क्षेत्र पे क्या था, ये मानवीय रोग जो था वो फैला हुआ था, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? पेंडेमिक बोलेंगे। चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर बॉर्न डिजीज। वाटर बॉर्न डिजीज कौन सा है? क्या चेचक वाटर बॉर्न डिजीज है, या फिर मलेरिया है, या फिर हैजा है, या फिर ट्यूबरक्लोसिस है? तो आप सभी को पता हो कि हैजा जो है वो क्या है? वाटर बॉर्न डिजीज है। हैजा जो है वो वाटर बॉर्न डिजीज है। वेरी गुड, जिन्होंने ऑप्शन सी को सेलेक्ट किया है। चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सॉरी गाइज, इसी क्वेश्चन के साथ आज के सेशन को हम एंड करते हैं, ठीक है।
आप लोग मन लगा के पढ़ो और कमेंट में आप बता देना कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम रह गया है। ठीक है, तो कुछ बच्चों का कहना होता है कि इतना सिंपल क्वेश्चन है यार, इतना सिंपल क्वेश्चन है फिर भी तो 100 out of 100 कोई नहीं दे पाते हो। तो जब लगे कि आप 100 out of 100 दे रहे हो, तब आप बोलो कि हाँ ये सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो इस आप सभी को कमेंट बॉक्स में बता देना कि हाँ कितना किसका सही हुआ। इसी के साथ आज के सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट गाइज़।